goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। विजय इधर आ जाओ ना। छह जनसभाएं हैं, चल सामने देख। छह जनसभा में मगध के इलाके, भोजपुर का इलाका और भागलपुर का इलाका है, इसको आज हम लोगों को कवर करना है। चुनावी प्रचार जो है वो शुरुआत आज से हो रही है। इसमें हम लोगों ने बार बार जो है मुद्दों की बात की है। कई लोग जो है मुद्दे भटकाने की बात करते हैं। हम लोग कई दिनों से ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, बिहार नहीं संभाल पा रहे। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार जी ने खुद मोहर लगाने का काम किया है। आपने देखा होगा कई जनसभाओं में उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश कर लिए हैं, नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, कारखाने नहीं लगाए जा सकते हैं। ये हमेशा हर एक इशू से भागने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और ये साफ तौर पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार जी नौकरी देने में उन्होंने तो खुद ही मान लिया कि वो नौकरी नहीं दे सकते। लॉकडाउन में जब फंसे थे लोग मजदूर, तो इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं संसाधन ही नहीं है, फिर कहते हैं कारखाने नहीं लग सकते, उद्योग नहीं लग सकते, क्योंकि आपका स्टेट जो है वो पूरी तरीके से लैंडलॉक स्टेट है। तीसरी बात कहते हैं कि समुंदर नहीं है बिहार के आसपास, समुद्री वाले इलाकों में जो है वहाँ जो है सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम बिहार की जनता को हमने जो वादा किया है, पहले भी हमने कहा है कि हम 10 लाख नौकरियां जो हैं पहले कैबिनेट में देंगे। नीतीश कुमार जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मुझे जनता, बिहार की जनता अगर एक मौका देती है तो मैं बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने का काम करूंगा। और पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार जो है फेल हो चुकी है। ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक स्तर पर थानों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता है। 60 घोटाले जो है नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुए हैं, और हमने पहले भी कहा है कि सरकार में आने के बाद जितने नियोजित शिक्षक थे, जो उनका मांग रहा है उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे, समान काम समान वेतन को लेकर। तीसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, जो वृद्धा पेंशन जो है उसको बढ़ा करके 1,000 रुपये वो हमारी सरकार आती है, तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो साफ बात है कि यहाँ 15 साल में इन्होंने गरीबी नहीं मिटाई, भुखमरी नहीं हटाई, बेरोजगारी नहीं हटाई, पलायन नहीं रोका, और जब मुसीबत के घड़ी में अपने भाई मजदूर जब फंसे हुए थे तो इन्होंने मुंह जो है वो फेरने का काम किया। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर सब एकजुट होकर के, सभी जाति वर्ग के लोग एकजुट होकर के इस बार हमको एक मौका जरूर देंगे। सुशील मोदी कल कह रहे थे कि इतने कम उम्र में इतना ज्यादा प्रॉपर्टी है, क्या कारण है? देखिए भैया, साफ बात, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। कोई देश की ऐसी एजेंसी है जो मेरा जांच नहीं कर रहा? अगर फिर भी लगता है कोई एजेंसी बची हुई होगी तो उससे भी जांच कराने, हमें कोई आपत्ति नहीं। कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं उनको, एकदम कोई दिक्कत नहीं। एजेंसी जो है सीएम साहब अपने रैली में ये बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे, अगर के पीछे क्या राज है? देखिए, पूरी तरीके से बिहार की जनता ने नकार दिया है डबल इंजन की सरकार को। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सकते, बिहार को लेकर के विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया, विशेष पैकेज वो कहाँ गया? तो ये जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर डबल इंजन की सरकार है तो हमको फायदा क्या होगा? यहाँ तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुसीबत के घड़ी हाथ फेर देते हैं, मुंह फेर देते हैं, लैंडलॉक स्टेट का बहाना देते हैं, समुन्द्र नहीं होने का बहाना देते हैं, संसाधने नहीं होने का बहाना देते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है अगर 15 साल से आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो? goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।